हरियाणा के जींद जिले में महिला पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। जींद के मिलन होटल में जिसमें फरोशी का धंधा चल रहा था, यहां पर एक महिला मिलन होटल में संचालकों के साथ मिलकर लड़कियां बुलाकर जिसमें फरोशी का धंधा करवाती थीं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा। पुलिस ने मौके पर जाकर मिलन होटल से चार लड़कियों सहित तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। कल हमें एक गुप्त सूचना मिली कि एक महिला एक मिलन होटल के संचालकों के साथ मिलकर यहाँ पे बाहर से लड़कियाँ बुलाकर इमोरल ट्रैफिकिंग का कार्य करवाती है, जिस संबंध में तुरंत रेडिंग पार्टी तैयार करके वहाँ पे होटल पे रेड की गई और वहाँ से चार लड़कियाँ और तीन अन्य पुरुष भी वहाँ से हमें बरामद हुए। तो उनके खिलाफ अभी इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत महिला थाना में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इनकी सभी की एज लगभग 20 और 30 के बीच में है और लड़कियां जो हैं वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल से हैं और बाकी यहाँ लोकल जींद के ही लोग हैं। अरे लगभग यहाँ पे अभी तक जो हमारी नोटिस में आया है लगभग 5-6 महीने से बता रहे हैं कि यहाँ पे ये कार्य चल रहा था, जिसकी हमें सूचना मिलते ही तुरंत हमने इस पर कार्रवाई की। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत उसकी धारा 3, 4, 5 के तहत हमने ये मुकदमा दर्ज किया है। अभी जिन लोगों के यहाँ पे बताया कि होटल के तीन संचालक थे जो यहाँ जींद से ही बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में भी अभी पता जो की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है और बाकी जो महिला यहाँ पे ये रैकेट चला रही थी उसकी भी तलाश जारी है। उनमें रेड की थी उस समय इस प्रकार की कोई जो है बरामदगी नहीं हो पाई थी, तो अभी हमारी पुख्ता सूचना मिलते ही हमने तुरंत इस पे कार्रवाई की। ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है तो आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। लड़कियों की उम्र लगभग 28 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। चार लड़कियों के साथ साथ पुलिस ने तीन अन्य युवकों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि पिछले 6 महीने से ये धंधा चल रहा था। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। इसमें होटल के तीन संचालक भी शामिल हैं जो जींद से ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।